जैसे मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने कुछ ऑर्डर करा, वो ऑर्डर आ चुका था काफ़ी दिन पहले, लेकिन उस ऑर्डर को मैं खोल भी चुका हूँ, मैं देख भी चुका हूँ कि मेरा ऑर्डर था, मुझे चेक करना था कि जो मैंने ऑर्डर करा वही चीज़ ऑर्डर में आई है या नहीं आई है, ये मुझे चेक करना था। जब ऑर्डर आया मैं सेंटर में था, तो मैंने कॉल करके भाई को बता दिया कि मैच कर लो कि जो ऑर्डर है वो है या कुछ और ही है। वही था, शुक्र है ऑर्डर खुल चुका है पहले, लेकिन उसको आपके भाई ने मैंने है दोबारा डब्बे में पैक करा, ताकि जब हम दोबारा खोलें तो खुशी जो है 50-50 बढ़ जाए, आधी आपकी आधी मेरी खुशी। तो बात करते हैं बैठ के, सुकून से बात करते हैं बैठ के। सब पहला संडे राइड के बाद से ये इधर है, लेंस ऐसी पड़े हुए, बैग ऐसी पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर खोलना है, बाकी सब ऐसी पड़ा हुआ है। साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा पहले, फिर बात करते हैं। ये ऑर्डर है और इसको खोल लें, दो मिनट दो। हाँ भाई, अब बात करते हैं। अब थोड़ा सही लग रहा है मुझे, मैंने थोड़ा मोबाइल को पीछे कर दिया ताकि फ्रेम थोड़ा सा वाइड हो जाए। पहले मोबाइल यहाँ आता था, अब मोबाइल वहाँ आ गया। कोई लेंस नहीं है, मोबाइल है ये, कैसे दिखाऊँ, मोबाइल है ये बस, सिंपल, कोई शीशा नहीं है, मैंने दिखा दिया जैसे मोबाइल रखा हुआ है। और हाँ, तो मोबाइल रखा हुआ है पीछे, हो गया थोड़े, हम दूर, फासला हमारे दिलों का करीब हो गया, मोबाइल का दूर हो गया। खैर, ये ऑर्डर है, इसको खोलना है, ये इसको खोलने की चीज़ है। ये पैक मैंने ऐसी पैक कर दिया मैंने नाम निहाल, ये खैर किसी और चीज़ का डब्बा था, ग्रॉसरी का डब्बा था, इससे मैंने बुक चला दी, जो ऑर्डर था वो डाल दिया। खैर, टाइटल पढ़ के अंदाज़ा हुआ कि मतलब वाई शॉर्ट ब्लॉग, ये मेन बात है आज के ब्लॉग की, ये बात है। और आज का ब्लॉग में काफ़ी थोड़ा सा ऐसा है कि मतलब जो गले में फंदा लटका हुआ था ना कि लास्ट ब्लॉग संडे का था, तो वो उतारा है और कोई खासा नहीं है। संडे का ब्लॉग था, उसके बाद अब ये ब्लॉग आ रहा है। मेन बात वो है कि जो टाइटल है, और दूसरी बात ये है अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले मुझे ज़रा बाइक चली खड़ी करने जाना है, क्योंकि रात का टाइम हो रहा है, टाइम दिखाया था मैंने क्या कहा है, दिख रहा है 12:40 हो गया, बाइक खड़ी करनी है मुझे, वरना रात का टाइम है, सन्नाटा रहता है गली में। बाइक खड़ी करके आ रहा हूँ, फिर बात करते हैं। बाइक हो गई है खड़ी, अब जो मेन बात है, जो टाइटल जो हमारा है, अब वो उसकी बात करते हैं कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट क्यों करी, ऐसी मुझे क्या ज़रूरत पर पेश आई, ज़िंदगी गुजर रही थी तमीज़ से, ये क्यों इस मोबाइल के चक्कर में लग गए। 4 से 5 बातें हैं इसकी, जिसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। कोई बहुत गहरी वजह नहीं है, ना मैं कोई फेम के पीछे भागता हूँ, ना मैं पैसों के पीछे, ना कोई व्यूज़, ना सब्सक्राइबर, ना फलाना, ना ढिमकाना, ना कुछ। मुझे मज़ा नहीं लगा पहले मैंने स्टार्ट करी, दूसरों को देख देख के फिर मुझे मज़ा नहीं लगा, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत इसको प्रोफेशनल लेना शुरू कर दिया। मतलब अब मेरा कुछ आगे का सीन है, वो बाद में बताऊंगा, वो कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा सा वो आने के बाद। लेकिन मज़ा आ रहा है मुझे यार ब्लॉग करके, पहली बात तो, लेकिन मैंने करी क्यों शुरू, मैंने मतलब क्या हुआ ऐसा, वो 4 बातें। बात नंबर 1, बात नंबर 1 ये थी, मतलब वजह नंबर 1 ये थी मेरी ब्लॉग के स्टार्ट करने की। यार पहला मुझे जो मेरा मेन फोकस था वो ये था, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना था, मुझमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, ये मैं ही हूँ, मुझमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कैमरे में बात करने का और अननोन लोगों से बात करने का। तो मेन फोकस जो मेरा था
वो मुझे था कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है कैमरे बोलने का, क्योंकि कैमरे पे बोलना लगता आसान है कि कैमरा खुलेगा हम सब बोल देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहला व्लॉग देख लो, और ये शायद 20वां व्लॉग है, 20 होगा मेरे, ये व्लॉग देख लो, इसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस में तो फ़र्क आया, भले पिक्चर क्वालिटी में नहीं आया, भले एडिटिंग में नहीं आया हो, भले म्यूजिक में नहीं आया हो, भले किसी में भी नहीं आया, लेकिन बैकग्राउंड में आया, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मेरा मेन फोकस था वो मुझे थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ लगा है, मुझे ऐसा फील हुआ कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। मेन वजह पहले मेरी ये थी कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। वजह नंबर टू ये थी कि मैं अपना फारिग टाइम ना, मतलब मैं जब भी फ्री होता था मैं अपना टाइम बहुत फालतू चीज़ों में गुजारता था, मोबाइल यूज़ करने में, गली में बैठ गए, अजीब से फालतू टाइम बर्बाद हो रहा था, कोई काम नहीं यूटिलाइज, मतलब वक्त को मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था। तो सबसे अच्छा हल पहले, मतलब यूट्यूब ज़्यादा मैं देखता था, यूज़ करता था, सभी करते हैं, और यूट्यूब पे काम की वीडियो से ज़्यादा मैं बकवासियाँ ज़्यादा देख रहा था जो टाइम बर्बाद कर रही, जिससे कोई बस कुछ नेम कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से एक तो ये चीज़ हुई कि मेरा टाइम जो है एक तरफ लगने लगा, पढ़ाई होती थी, जिम होता था जो अभी छूटा हुआ कभी कभार ही होता था, दूसरा कुछ और फोटोग्राफी होती थी, अब तीसरी चीज़ आ गई है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में कोई इतना बहुत ज़्यादा नहीं करता, मेरी कोई डेली ब्लॉग्स नहीं आते, वीक में आ जाते हैं एक या दो, लेकिन होता क्या है जो वीक के अलावा जो मैं दिनों घर पर होता हूँ उस पर अगर मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो उसमें बकवासियात से ज़्यादा कोई काम की चीज़ें देख लेता हूँ, काम की चीज़ें मुराद कोई अच्छा कॉन्टेंट देख लेता हूँ, अच्छे लोग न जाने इतने लोग हैं जो मुझे भूल रहे, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मेरी नज़र में वो आए, और वो मतलब काफ़ी ऊपर के यूट्यूबर्स हैं जो मुझे दिखे अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद। कंटेंट अच्छा हो गया, लोग जान में आ गए, टाइम यूटिलाइज हो गया फ़ायदे में, वक्त बर्बाद नहीं हुआ। और चौथी बात ये है, चौथी वजह ये है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से ना मुझे काफ़ी फ़ायदे हुए। फ़ायदे ये हुआ कि मेरे जहन में ना बचपन से एक स्टोरी है, एक है मेरे जहन में एक आइडिया है, वो मुझे ना लेकर आना है कुछ जगह पर। वो टाइम बात की कहानी है, कुछ है बंदे मेरे नज़र में, वो टीम मतलब बनेगी पूरी, वो स्टोरी आ जाएगी उसके ज़रिए, दो चार अगर यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेट हो जाए थोड़े बड़े जो है तो गेम्स अच्छे हो जाएंगे, वरना शायद थोड़ा सा फीका सा रहे। लेकिन चौथी बात ये जो मेरा स्टोरी था ना, मेरी स्टोरी थी जो मेरे जहन में काफ़ी टाइम से है, लेकिन मैं समझ में नहीं आता था मैं उस स्टोरी को दुनिया के सामने प्रेजेंट कैसे करूँ। अब मुझे एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं हाँ कि मैं ऐसे अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर सकता हूँ, और अब मैं ऐसे ही करूँगा। चार वजूहत हो गए, टाइम बर्बाद नहीं होता ब्लॉगिंग से, जो लोग कहते टाइम बर्बाद होता, मैं मेरा वो कोई मानना ऐसा नहीं है टाइम बर्बाद होता है, ये अगर आप इस्टेब्लिश शॉट नहीं डालें, अगर आप इस्टेब्लिशिंग नहीं डालो, सिंपल इस्टेब्लिशिंग शॉट नहीं डालो तो आपके हाथ में मोबाइल होगा, हेलो जी, और वहाँ पे ये इरफान भाई की लाइन है कि हमें पता है, तो एक आपके हाथ में मोबाइल होगा कि मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं जो दिखा रहा हूँ, इसमें टाइम बर्बाद नहीं होता, ब्लॉगिंग इसमें हो जाती है। फेलो यूट्यूबर्स काफ़ी हैं जिनको आप देख सकते हो कि कोई इनमें इस्टेब्लिशिंग शॉट नहीं होते, लेकिन बात होती है सिंपल उनके हाथ में मोबाइल रहता है, उसमें टाइम बर्बाद नहीं होता, काम पूरे चल रहे होते हैं, टाइम बर्बाद नहीं होता, पढ़ाई का वेस्ट नहीं होता, क्योंकि पढ़ आप सकते हो, आप चाहो तो पढ़ने का, ब्लॉगिंग में कितनी देर लगती है, अगर आप कोई बिगिनर हो तो आपको एडिटिंग में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सब बातें। अब बारी आ गई है, क्या है ये, अब इसको देखते हैं। वापस अपनी जगह क्योंकि अब बारी है इसकी। ये एक ऐसी पैक हुआ है, ये घर का डब्बा आया था, एक चीज़ ऑर्डर करी थी ग्रॉसरी की, तो उसमें आ गई है ये, कोई ऐसे पैक होकर नहीं आती ये चीज़ें। मैंने ऑर्डर इसलिए करा था यार, मेरा टाइम जो व्लॉगिंग के हटके जो वेस्ट हो रहा था, व्लॉगिंग में तो वेस्ट नहीं हो रहा था ना, व्लॉगिंग की वजह से वेस्ट हो रहा था ना, व्लॉगिंग के बाद वेस्ट हो रहा था, इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था, उसके अलावा जो वेस्ट हो रहा था उसको यूटिलाइज करना था। ये जितनी बुक्स यहाँ दिखती हैं, ये वाली ये जो बुक्स हैं इनमें से मैंने ये पढ़ी भी, ये पढ़ी भी, ये पढ़ी भी, ये थोड़ी सी पढ़ी थी, बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आई, इसलिए ये था काम। एक बुक मैंने ऑर्डर करी थी जो कि काफ़ी बात हो गई इस वीडियो को, उस पर काफ़ी बात हो गई है। अब ये कुछ मैंने और ऑर्डर करा, इसको खोलते हैं,
बननी वाला हो गया। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ये चार बुक्स मैंने ऑर्डर की थी। दोबारा वापस, ये चार बुक्स मैंने ऑर्डर करी थी, ये मुझे पढ़नी है। मेन बुक जो है वो ये वाली है, द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। पहले वो ख़त्म हो जाए फिर इसको पढ़ेंगे, पढ़ना दोनों साथ शुरू हो गए तो वो मिक्स हो जाएंगे क्योंकि कोर्स भी पढ़ना होता है। ये चीज़ें थी, ये ऑर्डर करिए, ये हो गई बात, जो मेन बात थी वो भी हो गई। अब बात किसकी है, अब जाने की बात है, हम चले घर पे। दूसरी बात ये कि मैंने पहले ही कहा था कि फंदा लटका हुआ था वो निकालना था और वो उतर गया, पर ये पोस्ट होगी तो उतर जाएगा, अपलोड होगा तो उतर जाएगा, ये उतारना था ये उतर गया। अब ब्लॉग कब आएगा, अब शायद अब सर आ जाएगा, मुझे कोई दिन कंफर्म नहीं होता, कभी भी आ जाएगा, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, क्योंकि परसों मुझे जाना है तो शायद हो सकता है परसों आ जाए, संडे, आज फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे लग गया, अब इसको एडिट करना है फिर अपलोड करना है और ये बुक्स पढ़नी है। चार बुक्स अच्छी हैं, बस ख़त्म, यही था सिंपल बात, कोई इसमें एस्टैब्लिशिंग नहीं है, सिर्फ एक ही डाला हुआ, एक ही है सर, बाकी कोई शॉट नहीं है इसमें ऐसा एस्टैब्लिशिंग। वाइट फ्रेम हो चुका है थोड़ा सा, हम दूर हो गए, दिल करीब हो गए, मोबाइल दूर हो गए, बस सिंपल है, सिंपल रखो, कीप इट सिंपल, सब चीज़ें हल हो जाती हैं। और जो मेन फोकस था कॉन्फिडेंस बिल्डअप का, वो आहिस्ता बढ़ेगा। अब मिलेंगे कब, जब भी अल्लाह ने चाहा तब मिलेंगे। उम्मीद है मैं ये बुक सारी ख़त्म कर सकूँ, उम्मीद है मुझे, दुआ करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।